भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष, एएसआई सर्वे पर रोक लगाने की मांग, कल होगी सुनवाई। भोजशाला में साइंटिफिक सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इंदौर बेंच के फैसले को चुनौती दी है। याचिका में सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई है। मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट 1 अप्रैल को सुनवाई करेगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इंदौर बेंच के फैसले के बाद धार जिले में स्थित भोजशाला का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई की टीम द्वारा सर्वे दिया जा रहा है। अब इस साइंटिफिक सर्वे पर रोक लगाने का मांग को लेकर मुस्लिम पक्ष ने फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मुस्लिम पक्ष की इस याचिका पर उच्चतम न्यायालय सोमवार यानी 1 अप्रैल को सुनवाई करेगा। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इंदौर बेंच के फैसले को चुनौती दी है और भोजशाला में चल रहे सर्वे पर रोक लगाने की मांग की है। मुस्लिम पक्ष की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 1 अप्रैल को जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की सुनवाई करेगी। 11 मार्च को हाई कोर्ट ने दिया सर्वे का आदेश। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इंदौर बेंच में हिंद फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका पर फैसला सुनाते हुए 11 मार्च को भोजशाला में एएसआई को वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था। जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और देवनारायण मिश्रा की पीठ ने अपने आदेश देते हुए कहा कि एक्सपर्ट कमेटी दोनों पक्षकारों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार सिस्टम सहित सभी उपलब्ध वैज्ञानिक तरीकों के साथ परिसर के 50 मीटर के दायरे में समुचित स्थानों पर जरूरत पड़ने पर खुदाई कराकर सर्वेक्षण करें। क्या है भोजशाला का इतिहास? आपको बता दें कि 1000 साल पहले धार में परमार वंश का शासन था। यहाँ पर 1000 से 1055 ईस्वी तक राजा भोज ने शासन किया। राजा भोज सरस्वती देवी के अनन्य भक्त थे। उन्होंने 1034 ईस्वी में यहाँ पर एक महाविद्यालय की स्थापना की, जिसे बाद में भोजशाला के नाम से जाना जाने लगा। इसे हिंदू सरस्वती मंदिर भी मानते थे। ऐसा कहा जाता है कि 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला को ध्वस्त कर दिया। बाद में 1401 ईस्वी में दिलावर खान गौरी ने भोजशाला के एक हिस्से में मस्जिद बनवा दी। 1501 ईस्वी में महमूद शाह खिलजी ने दूसरे हिस्से में भी मस्जिद बनवा दी। बताया जाता है कि 1875 में यहाँ पर खुदाई की गई थी। इस खुदाई में सरस्वती देवी की एक प्रतिमा निकली। इस प्रतिमा को मेजर किनकेड नाम का अंग्रेज लंदन ले गया। फिलहाल ये प्रतिमा लंदन के संग्रहालय में है। हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में इस प्रतिमा को लंदन से वापस लाए जाने की मांग भी की गई है।